शिवपुरी शहर में मंगलवार को प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन शिवपुरी ने पूरे शहर में समस्त प्राइवेट स्कूलों के बच्चों द्वारा विशाल नशा मुक्ति अभियान जागरूकता रैली निकाली गई है, जिसमें रैली को शिवपुरी पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल द्वारा हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रैली को रवाना किया। रैली प्राइवेट बस स्टैंड से प्रारंभ होकर माधव चौक, कोर्ट रोड, अस्पताल चौराहा, कोतवाली रोड से होते हुए गांधी पार्क रैली का समापन हुआ। समापन में कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह द्वारा सभी को संबोधित किया गया। स्कूली बच्चों द्वारा नशा मुक्ति के लिए खिलाफ रैली निकाली गई है, क्या रैली? बड़ा स्वागत योग्य कदम है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के द्वारा आज हजारों की संख्या में बच्चों को नशे के विरुद्ध अभियान में रैली निकाली गई। बीच में चर्चा हुई थी कई लोगों से, स्कूल वालों उनका भी कहना था कि हमें भी लगता है कि समाज को जागरूक करना और परिवार के लोगों को भी जागरूक करना, ताकि बच्चे अगर जागरूक होंगे तो निश्चित तौर पर वो सोचेंगे। एक तो दूसरा खतरा यूँ रहता है कि बच्चे भी कई बार इसका शिकार हो जाते हैं, उनमें भी जागरूकता है, उसके लिए बड़ा अच्छा बहुत अच्छा और दूसरी कदम है जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा किया गया है। इसके बाद इनका रैली खत्म होने के बाद में इनका एक कार्यक्रम भी रहेगा, जिसमें उसकी बात पर चर्चा भी होगी और बातचीत भी करेंगे। मैं चाहता हूँ कि शिवपुरी में नशा जो मुक्त करना है, उसमें जनता के लोग ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेना है। खाने की डरने की बात नहीं है, ये आश्वासन है आपको। अभी मतलब ज़्यादा सूचना मिलेगी, हम कार्रवाई कर पाएंगे।